हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टोर गलिंदी। मैं हूं ऋषभ ओझा और आप देख रहे हैं इल्यूजन पार्ट 64। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि इल्यूजन एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये भी जानता हूं कि आपको इल्यूजन को सॉल्व करने में बहुत मज़े आते हैं, तो इसीलिए आज मैं फिर से आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर जो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी इल्यूजन से भरा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आप में से कितने लोग हो जो आज के इल्यूजन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इल्यूजन नंबर 1। अभी जो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं, ये इमेज ट्विटर पर एक बंदे ने शेयर किया था और ये इमेज इतना ज्यादा वायरल हुआ है कि आज बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और वेबसाइट भी इसके बारे में बता रहे हैं। बट अब आप इस इमेज को ध्यान से देखो और आप मुझे ये बताओ कि इसमें इल्यूजन क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, 10 सेकेंड का। आप मुझे अच्छे से देखो और समझो और मुझे कमेंट में बताओ कि ऐसा क्या है इस इमेज में जो इसे एक इल्यूशन बनाता है। चलिए अब आपका टाइम हो गया है समाप्त। अब आपका जो भी आंसर था आपने दे चुके हैं और अब हम मैं आपको बताता हूँ कि इस इमेज में ऐसा क्या था जो इसे एक इल्यूशन बनाता है। दरअसल दोस्तों, ये इमेज पूरी की पूरी ब्लैक एंड वाइट है। आई नो कि आप मेरी बात को विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये बात सच है कि ये पूरी की पूरी इमेज ब्लैक एंड वाइट है। बट अब आप बोलोगे कि भाई नहीं, इस इमेज में सभी के कपड़े कलर में हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपकी आंखों का धोखा है जो आप देख नहीं पा रहे हो। जरा आप किसी भी ड्रेस को बहुत ही ध्यान से देखो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये ड्रेस हल्का ब्लैक कलर का है ना। बट अब आप सोच रहे होंगे ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस इमेज में कुछ लाइंस हैं जो कई कलर्स में हैं, और जब हम इस इमेज को एक नॉर्मल तरीके से देखते हैं तो हमें ये जो ड्रेसेस में जो लोग हैं उनके कपड़े कलर में दिखते हैं। लेकिन जब हम इस इमेज को बहुत ही ध्यान से और समझ कर देखते हैं तो हमें इन लाइनों का इफेक्ट हट जाता है और हमें ये ड्रेसेस ब्लैक एंड वाइट दिखते हैं। इल्यूजन नंबर 2। अब जो आप इमेज को देख रहे हैं, इस इमेज को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इस इमेज में ऐसा क्या है जो इसे एक इल्यूजन बनाता है। मैं आपको सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, जल्दी से पता लगाओ और मुझे कमेंट में बताओ अपने आंसर कि इस इमेज में ऐसा क्या है जो इसे एक इल्यूशन बनाता है। चलिए अब आपका टाइम हो गया एंड। अब आपका जो भी कमेंट था आपने मुझे आंसर दे चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस इमेज में ऐसा क्या है जो इसे एक इल्यूशन बनाता है। अगर आप इस इमेज को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको अभी बहुत सारी लड़कियां नजर आ रही होंगी, राइट। लेकिन मैं आपसे अगर ये कहूँ या फिर ये बोलूँ कि इस इमेज में केवल 2 ही लड़कियां हैं तो शायद आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं रखोगे। लेकिन जो लोग इस इमेज को सॉल्व कर चुके हैं, जो लोग इस इमेज को समझ चुके हैं, उनको पता है कि 2 लड़कियां ही हैं। लेकिन मैं आपके वेरिफिकेशन के लिए आपको चलिए कुछ सबूत देते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो इस इमेज में 2 शीशे हैं जो कि एक राइट में एक लेफ्ट में है, और ये लड़कियां दोनों के बीच में बैठी हुई हैं और इनके ही सेम शक्ल इन शीशों में दिख रहा है, जिसकी वजह से हमें ये बहुत सारी लड़कियां नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही अच्छे से नोटिस करेंगे तो ये सारी की सारी लड़कियां सेम हैं। इल्यूजन नंबर 3। अब जो इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज केवल 2% लोग ही सॉल्व कर पाए हैं। चलिए देखता हूँ कि आप में से कितने लोग हो जो इस इमेज को सॉल्व कर पाते हो। अब आप मुझे ये बताओ कि इस इमेज में ऐसा क्या है या फिर क्या ऐसा छुपा हुआ है जो हिडन है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको फिर से 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, आप उस हिडन चीज को ढूंढो और मुझे कमेंट बताओ क्या चीज है। चलिए अब आपका टाइम हो गया समाप्त। अब आपके जो भी कमेंट है मुझे आपने दे दिया, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है।
यानी कि इस इमेज में ऐसा क्या है जो हिडन है और इस इमेज को एक इल्यूशन बनाता है। तो दोस्तों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक टाइगर नज़र आएगा जो कि एक हिडन है और सेम कलर होने की वजह से वो हमें दिख नहीं रहा था। इल्यूजन नंबर 4। अब आप जो इमेज को देख रहे हैं इसमें एक बहुत ही बड़ा घर आपको दिख रहा होगा। आपको क्या लगता है कि इस इमेज में इल्यूजन क्या हो सकता है? चलिए आपको मैं फिर से एक बार और 10 सेकंड का टाइम दूंगा। आप इस घर को बहुत ही अच्छे से देखो, इस इमेज को भी बहुत अच्छे से देखो और इल्यूजन को ढूंढ के निकालो कि इस इमेज में ऐसा क्या है जो एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं और एक नोटिस दे दूं कि ये वाला इल्यूजन थोड़ा हार्ड है, तो देखते हैं कि आप में से कितने लोग हो जो सॉल्व कर पाते हो, और जो लोग सॉल्व कर रहे हो वो मुझे कमेंट पे ज़रूर अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों क्या हुआ, सॉल्व कर लिया इस इल्यूजन को? क्या आपको मिल गया इस इमेज का इल्यूजन क्या है? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि इस इमेज में ऐसा क्या है जो इसे एक इल्यूजन बनाता है। दरअसल ये जो घर आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसके जो बैकग्राउंड में जो ये पेड़ है, ये जो बैकग्राउंड में चीज़ें हैं, वो क्या इतने ही पास हैं? नहीं, दरअसल ये जो पेड़ और पहाड़ है ये बहुत ही पीछे हैं। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, राइट? तो अब आप ये देखो, इल्यूजन नंबर 5। तो फाइनली अब हम आ गए हैं अपने लास्ट एंड क्यूमन इल्यूशन पर। जैसे कि आप सभी ये जानते हैं कि जो इस वाले इल्यूशन को सॉल्व कर लेगा और जो सबसे पहले राइट आंसर देगा, मैं उनका नाम मेरी नेक्स्ट इल्यूजन वीडियो में दिखाऊंगा। तो आज का जो क्यूमन इल्यूजन है वो ये इमेज है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ इस इमेज में कि ऐसा क्या है या फिर ऐसी किस वजह से ये एक इल्यूशन बनता है। अब आपका जो भी आंसर है वो मुझे कमेंट में जाके बताओ। और अब हम बात करते हैं अपनी पिछली वीडियो की। जी हाँ, मैंने पिछली वीडियो में एक इल्यूशन क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था जो कि आपको सॉल्व करना था, और मैंने ये भी कहा था कि अगर आप इस इमेज को सॉल्व कर लेंगे तो मैं आपका नाम इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए, नाम दिखाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन का राइट आंसर बता देता हूँ। तो राइट आंसर है कि इस इमेज में कोई इंसान नहीं है, वो जो जूते हैं वो सिंगल है। बट अगर हम पहली बार इसे एक नॉर्मल तरीके से देखते हैं तो हमें एक इंसान नजर आता है, और इसी वजह से ये इमेज एक इल्यूशन बनता है। और अब ये वो 50 लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले राइट आंसर दिया था। और हाँ हाँ, अभी जाइए मत, अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी के ज़रिए आपको मेरी जो न्यू वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय एंड टेक केयर।